स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपके लिए लाई हूँ मोहा स्किन केयर की रेंज, जो कि ये एक स्किन केयर की है। इसके अलावा ये हेयर केयर की भी रेंज बनाते हैं, बट आज मैं रिव्यू करूँगी स्किन केयर की रेंज को, इन विच इसमें एक सोप है, एक नॉर्मल सोप है, एक स्क्रब सोप है। इसके अलावा मैंने मंगाई है मोहा से एक फुट क्रीम, अ हर्बल स्क्रब एंड अ फेस वॉश, और उसके अलावा मैंने इसका लिप बाम भी मंगवाया है फ्रेंड्स। तो चलिए आइए इसका रिव्यू शुरू करते हैं कि ये कैसे प्रोडक्ट्स हैं, इसमें क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या डिसक्वालिटीज़ हैं। और उसके पहले फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको रिव्यू मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ इंडियन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स के। तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए अब बिना देख के शुरू करते हैं अपना रिव्यू। तो गाइस, मोहा के बारे में आपको रिव्यू करने से पहले, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो मोहा के प्रोडक्ट्स बनते हैं, दीज आर मैन्युफैक्चर्ड बाय चरक फार्मा, एंड चरक फार्मा एक बहुत पुरानी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो आयुर्वेदिक मेडिसिन भी बनाती है, और बहुत टाइम से ये लोग इस फील्ड में हैं। तो डेफिनेटली आपको इस प्रोडक्ट के रिजल्ट तो बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं, कोई ऐसी वैसी किसी ब्रांड ने नहीं बनाया है इसको। गाइस, सबसे पहले मैं इनके सोप्स के बारे में आपको बताऊंगी। सोप्स जनरली आपको बहुत मिल जाएंगे मार्केट में, बट ऐसा क्या खास है मोहा में, तो वो मैं आपको बताऊंगी। ये जो सोप्स हैं, दीज आर वेरी मॉइस्चराइजिंग सोप्स, ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं करते आपकी स्किन को। और दूसरी चीज़ कि इसकी जो अरोमा है वो बहुत ही अच्छी है, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत सूदिंग, बहुत कामिंग है। अगर आप रात में सोते टाइम नहा करके सो रहे हैं तो मैं तो डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी कि आप इन सोप से ज़रूर नहा के सोइए, क्योंकि काफ़ी सूदिंग, काफ़ी कामिंग इफेक्ट देता है ये, आपका माइंड बिल्कुल शांत हो जाएगा ऐसा मुझे लगता है। मुझे इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा सूदिंग लगी है, तो ज़रूर ज़रूर इन सोप्स को मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगी। और इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स भी आपको मिलेंगे, इसमें आपको बेसिल और एलोवेरा मिलेगा, नीम मिलेगा, तो ये सब बहुत ही अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं गाइस। तो आप ज़रूर इस सोप को ट्राई करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड दिस सोप रिटेल्स फॉर 70 रुपीज़। तो 70 रुपीज़ में हम कोई भी नॉर्मल सोप भी खरीदते हैं तो वो लगभग 70, 75, 80 इसी रेंज में खरीदते हैं। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम सोप खरीद रहे हैं तो इसको एक ट्राई ज़रूर दीजिएगा, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। और इसकी पैकिंग आपको दिखा दूँ, ये ऐसे अंदर से पैक होकर के आते हैं, ऐसे पेपर में रैप होकर के आते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। इन लोगों ने प्लास्टिक या पॉलीथिन का यूज़ नहीं किया है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। दिस इज़ डिस्पोजेबल, आराम से डिस्पोज हो जाता है। और गाइस, मैंने इसको जब ऑर्डर किया है तो मैंने मोहा की वेबसाइट से ऑर्डर किया था, बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर मिला था, तो मैंने वहाँ से इसको मंगाया था। और ये कुछ इस कलर का आता है, ऐसे येलो कलर का मोहा है। एक मेरे बाथरूम में है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, दूसरा ये है क्योंकि मुझे बाय वन गेट वन फ्री मिला है, तो ये मैंने रिव्यू के लिए रख लिया था। सो नाउ द सेकेंड सोप, दिस इज़ मेरे हिसाब से दिस सोप इज़ अ शो स्टॉपर सोप ऑफ ऑल ऑफ, मतलब इन सारे मोहा प्रोडक्ट्स में मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद आया। दिस इज़ माई फेवरेट थिंग इन दिस होल रेंज, क्योंकि इट इज़ अ स्क्रब सोप बेसिकली। और अगर आप स्क्रबिंग पसंद करते हैं, लाइक आप जैसे हम अपने फेस को स्क्रब करते हैं, हमको अपनी बॉडी को भी स्क्रब करना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। हमको हफ्ते में 2 दिन एटलीस्ट अपनी बॉडी को स्क्रब ज़रूर करना चाहिए। मैं भी स्क्रबिंग करती थी, तो एक्सफोलिएशन जो मैं करती थी तो मैं या तो शुगर स्क्रब से या कॉफ़ी स्क्रब से करती थी, विच रियली बिकम समटाइम वेरी मैसी, बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता था। और आप जानते हैं फ्रेंड्स कि घर में अगर बच्चे रहते हैं तो इतना टाइम नहीं रहता है कि इतनी सारी चीज़ें या DIY करो, तो आई गेस फॉर दैट दिस सोप इज़ बेस्ट। ये कुछ ऐसा रहता है, इसमें आपको स्क्रबिंग पार्टिकल्स दिखेंगे, दिख रहे हैं फ्रेंड्स, कुछ ऐसे इसमें स्क्रबिंग पार्टिकल्स रहते हैं जो अभी देखने में तो काफ़ी माइल्ड लग रहे हैं, बट आप जब इसको नहाते टाइम यूज़ करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्टिकल्स हैं, काफ़ी ज़्यादा, जैसे प्यूमिक स्टोन जितना हार्श रहता है ये उतने ही हार्श रहते हैं। तो अगर आप प्यूमिक स्टोन अपनी बॉडी पे लगाना पसंद करते हैं तो आप उसकी जगह इसको ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, और इट मेक योर वर्क ईजी, आराम से स्क्रबिंग कर सकते हैं। और इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है फ्रेंड्स, तो मैं इसको तो हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप स्क्रब सोप इसका ज़रूर ट्राई करिए अगर आपको स्क्रबिंग पसंद है तो।
वीक में 2 times मैं इसको यूज़ करती हूँ, बाकी टाइम जो है मैं मोहा का जो नॉर्मल सोप है उसको यूज़ करती हूँ। एंड दिस सोप इज रिटेल फॉर ₹75। ये भी मुझको बाय वन गेट वन फ्री के ऑफर में मिला था, तो इस एक ये मिला था, इसके अलावा एक और मिला था मुझे सोप। तो गाइस हम बात करते हैं इसके फेस वॉश की। काफ़ी अच्छा फेस वॉश है, काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ में आता है ये ₹80 में। आपको इसकी क्वान्टिटी मैं आपको बता देती हूँ, ₹80 में ये 50 ml ऑफ प्रोडक्ट आपको मिलेगा और ये काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ है। अगर आप इसको अपने बैग में रखने कैरी करके कहीं जाना चाहते हैं आप आराम से जा सकते हैं, बिल्कुल स्पिल नहीं करेगा। और अगर इस फेस वॉश की बात करी जाए तो ये पिंक कलर में आता है ऐसे। और इसको देखिए, अगर मैं इसको लगाऊंगी तो ये काफ़ी मॉइस्चराइजिंग है, ये लेदर बहुत अच्छे से करता है, काफ़ी फोमी फेस वॉश है, बट ये ड्राई नहीं करता, ये आपकी स्किन को ओवर ड्राई नहीं करेगा, विच इज़ अ गुड थिंग। और इसमें आपको बहुत ही अच्छे अच्छे इन्ग्रीडियंट्स मिल जाते हैं, जैसे कि इसमें नीम का यूज़ किया है विच इज़ एंटी बैक्टीरियल, एंड क्यूक्यूम्बर का यूज़ किया है जो कि आपकी स्किन को काफ़ी कूलिंग और सूदिंग इफेक्ट देता है। एलोवेरा विच इज़ रियली गुड फॉर हीलिंग ऑफ योर स्किन, अगर कोई पिंपल्स हैं या कुछ है तो उसके लिए एलोवेरा तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा रोज़ इज़ वेरी गुड फॉर स्किन टोनिंग, स्किन टाइटनिंग के लिए। एंड स्पेशली अगर ये ₹80 का है और मुझे बाय वन गेट वन फ्री के ऑफर में मिला है, तो ये ₹40 का हो गया फॉर 50 ml, विच इज़ वेरी 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 अफोर्डेबल। तो आप ज़रूर इसको भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा फेस वॉश है गाइस। तो फेस वॉश की बात तो हमने कर ली, अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके हर्बल स्क्रब की। दिस ऐसे जैसे फेस वॉश की आपकी ट्यूब रहती है उसी टाइप की ट्यूब में ये स्क्रब भी आता है, एंड विच इज़ ऑल्सो स्टर्डी। और इसमें आपको मिल जाता है वॉलनट, ऑरेंज पील, नटमेग, ऑलिव एंड रोज। गाइस अगर इसकी फ्रेग्रेंस की बात करें तो इसमें नटमेग की बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है और काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी। और इसको अगर मैं आपको दिखाऊं ऐसे, ये देखिए आप देख रहे हैं, इसके जो ग्रैन्यूल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हार्श नहीं है। हमारे चेहरे के लिए स्क्रबिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो आप अपने फेस पे एटलीस्ट वीक में 2 बार स्क्रबिंग ज़रूर करिए। और मोहा के प्रोडक्ट के साथ यूज़ करेंगे तो इसमें ज़्यादातर ये लोग नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ही डालते हैं, तो विच इज़ अ गुड थिंग। तो आप बिल्कुल इसके स्क्रब को भी ट्राई कर सकते हैं। इसका स्क्रब भी यूज़ करने के बाद फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल मुझे नहीं लगा कि ये स्किन को ड्राई कर दे रहा है, या मोहा के कोई भी जैसे या फेस वॉश हो गया या स्क्रब हो गया, इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के बाद मुझे एक्ने या पिंपल्स ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो आप बिल्कुल इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे बहुत अफोर्डेबल रेंज में आते हैं ये प्रोडक्ट्स, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो गाइज अब हम बात करते हैं इसकी फूड केयर क्रीम की। फूड केयर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमको अपने ओवरऑल बॉडी का पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो भाई पैरों को क्यों छोड़ेंगे, पैरों का भी ध्यान हमें ज़रूर रखना चाहिए। और अगर पैरों की बात की जाए तो फूड क्रीम्स, अगर आप हाउस वाइफ हैं, घर में काम करती हैं, उतना ज़्यादा केयर नहीं कर पाती हैं, होता है ये मेरे साथ भी होता है, मैं भी अपने पैरों की इतनी ज़्यादा केयर नहीं कर पाती थी। बट यस, अगर आप थोड़ा सा एफर्ट करेंगे कि आपको अपना ध्यान रखना है, अपनी केयर करनी है, तो आप बिल्कुल टाइम निकाल सकते हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी क्रीम है गाइस, और अगर देखा जाए तो इसमें ये बताते हैं कि ये आपके फीड्स को स्मूथ कर देगी और क्रैक्स को भी हील करने में ये काफ़ी हेल्प करती है। इसमें आपको मिलेंगे इंग्रेडिएंट्स पपाया, एलो और पेपरमिंट। तो मैं आपको दिखाऊँ इसका टेक्स्चर, ये कैसा है, काफ़ी थिक क्रीम है गाइस, काफ़ी थिक है। तो दैट इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि स्किन बहुत हार्ड होती है, तो उसके लिए तो थोड़ी थिक क्रीम ही रहेगी तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा और बहुत अच्छे से वर्क करेगी। बहुत कम क्वांटिटी में ये बहुत अच्छे से वर्क करती है, और काफ़ी इसकी भी फ्रेगरेंस काफ़ी हर्बल है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा हर्बल फ्रेगरेंस है इसकी। और इसमें अगर इसकी प्राइस की बात करी जाए तो दिस रिटेल्स फॉर ₹140 फॉर 50 ग्राम। 50 ग्राम प्रोडक्ट मिलेगा आपको ₹140 में, विच इज़ वेरी क्वाइट अफोर्डेबल। और अगर आप मोहा के वेबसाइट से ले रहे हैं, ये तो मैं आपको हर प्रोडक्ट में बता चुकी हूँ, तो आपको ये काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे भी मिल सकता है फ्रेंड्स। तो चलिए अब बात कर लेते हैं लिप्स की। होंठ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं फ्रेंड्स, चाहे विंटर सीज़न हो या समर सीज़न हो या रेनी सीज़न हो, हमको लिप्स हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी होता है। लिप बाम इज़ अ मस्ट हैव थिंग, और स्पेशली अगर आप लिपस्टिक वगैरह लगाती हैं तो आप उसके अंडरनीथ इसको लगा सकती हैं, क्योंकि ये टिंटेड नहीं है, विच इज़ अ गुड थिंग, ये टिंटेड लिप बाम नहीं है,
इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट लिप बाम सी। तो ये आपके कलर के, आपके लिपस्टिक के कलर के साथ मिक्सअप नहीं करेगा, तो आप बिल्कुल इसको अंडरनीथ यूज़ कर सकती हैं अपने लिपस्टिक के। और आपको इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स, हर्बल इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे, जैसे कि इसमें एप्रिकॉट है, ऑलिव, आमंड, वीट जर्म एंड हनी, ये सब चीज़ें। और अगर ऑनेस्टली बताऊँ फ्रेंड्स, तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। हम यूज़ करते हैं 150 के, 200 के लिप बाम, सम ऑफ देयर आर 500-600, बट उसकी जगह अगर आप ये यूज़ करेंगे तो दिस रियली हैव वेरी गुड इंग्रेडिएंट्स, वेरी गुड हर्बल इंग्रेडिएंट्स, विच इज़ गुड फॉर योर लिप्स। अगर डिसकलरेशन भी हो रहा है तो ये, अगर आप इसको लंबे टाइम तक यूज़ करेंगे तो काफ़ी हद तक वो भी कंट्रोल कर देगा। प्लस ये आपके लिप्स को हाइड्रेट कर देता है बहुत अच्छे से। वो सब जो लिप बाम्स होते हैं, मैंने बहुत सारे लिप बाम्स यूज़ किए हैं फ्रेंड्स, बट उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उसको आप एक बार लगाएंगे तो जब तक लगाएं तब तक तो हाइड्रेटेड है, बट आफ्टर 3-4 आवर्स आपके लिप्स फिर से चैप्ड होने लगेंगे। इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है, इसको मैं सिर्फ दिन में एक बार लगाती हूँ और शाम तक मेरे लिप्स बहुत अच्छे से स्मूथ हाइड्रेटेड रहते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और इस प्राइस पॉइंट में ऐसा लिप बाम मिलना बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि आपको इंडियन ब्रांड में अगर ढूंढेंगे तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट लिप बाम। और अगर इसकी प्राइस की बात करूँ तो दिस रिटेल्स फॉर ₹50। अगर आप नायका पे इसको देखेंगे या नायका से परचेज कर रहे हैं मोहा के प्रोडक्ट, तो आपको वैसे ही कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। नायका पे ये 35 का मिल रहा था, बट मैंने इन प्रोडक्ट्स को मोहा की वेबसाइट से परचेज़ किया तो मुझे जस्ट हाफर ऑफ रेट में मिले हैं ये। जैसे कि ये ₹50 का था तो ये मुझे ₹25 का मिला है, विच इज़ वेरी गुड डील, इट इज़ अ ब्लॉक बस्टर डील। आप ज़रूर ट्राई करिए फ्रेंड्स, इसका लिप बाम और स्क्रब सोप तो आप ज़रूर ज़रूर ट्राई करिए। ये दो रिकमेंडेशन, अगर इन सब में मेरी फेवरेट प्रोडक्ट्स आप पूछेंगे तो इसका लिप बाम और इसका स्क्रब सोप, दे बोथ आर माय फेवरेट। बाकी सब प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं बट ये दोनों मेरे लिए कमाल के हैं। मतलब इस प्राइस पॉइंट पे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस बहुत कम प्रोडक्ट्स में मिलती है, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा इन प्रोडक्ट्स को। और गाइज, मोहा की वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप वहाँ से जाकर के इन प्रोडक्ट्स को ले सकें। आई गेस अभी भी उसमें ऑफर, काफ़ी अच्छे ऑफर चल रहे होंगे, आप अभी भी चेकआउट कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छी डील्स मिल जाएंगी, आप ज़रूर ट्राई करिए। इनकी हेयर केयर रेंज भी बहुत अच्छी है। इफ़ यू रियली वॉन्ट कि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स, और मैं ज़रूर उसको बनाऊँगी अगर आप चाहेंगे तो। और अगर गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। और तब तक के लिए बाय बाय।